print statement. So topic number 2.17, print statement. This is the most frequently used statement in basic. अब print statement के आप सबसे ज्यादा use इसलिए करते हो क्योंकि अगर आपने output screen पर कोई भी चीज print करवानी हो उसके लिए आपको print की statement चाहिए होती है. Almost every program in basic makes use of it. हर program में तकरीबन आप print की statement जो है वो लाजमी use करते हो. All the programs we have seen so far in this text have used it in different ways. This statement is used to display text and numbers on the screen. अगर आपने अपने text पर numbers print करवाने हैं, alphabets print करवाने हैं, text print करवाना है, numeric data print करवाना है, कुछ भी अगर आपने print करवाना है, उसके लिए आप print की statement use करते हैं. You can see the syntax of print statement over here. Print का keyword है print. Print आप लिखोगे, उसके बाद list of expressions. और उसके बाद ये दो सिंटेक्स उसने दिए हुए, क्वेश्चन मार्क डालकर प्रिंट का वर्ड नहीं लिखना चाहते तो यू कैन ऑल्सो यूज अ क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. ओके, एंड इट विल एक्ट सेम लाइक प्रिंट स्टेटमेंट. जिस तरह से प्रिंट का ऊपर वाला सिंटेक्स काम करता है, नीचे वाला भी सेम उसी तरह ही काम करेगा. बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द फर्स्ट सिंटेक्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इंटरप्रिटेशन. एक्सप्रेशंस इन द लिस्ट मे बी न्यूमेरिक एंड और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाई कॉमा स्पेसिस और सेमीकॉलंस. अब वो कहते हैं प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर आप प्रिंट का वर्ड लिखोगे, उसके बाद एक्सप्रेशन बताओगे. एक्सप्रेशन कैन बी एनी एक्सप्रेशन, इट कैन बी इधर न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और कुछ भी हो सकता है जो चीज आप लिखना चाहते हो, और आप उसे कॉमास के साथ सेपरेट करोगे. मतलब अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो ए बी सी डी, तो आप लिखोगे प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. ओके, after that if we omit the list of expressions a blank line is printed. agar hum expression list of expressions likhte hi nahi hai, matlab hum kuch printing ke liye task use dete hi nahi ki kya cheez hamari screen par print ho jaye, to fir kya hoga, blank line jo hai wo hamari screen par nazar aana shuru ho jayegi. we can also use a question mark instead of print statement. this will behave in the same way as the print statement behaves. wo kehte hain aap question mark bhi likh sakte ho प्रिंट की स्टेटमेंट की तरह की जगह, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया सेकंड वाला जो सिंटेक्स है, और जो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये भी प्रिंट की स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है. ठीक है, व्हेन द टू एक्सप्रेशंस इन अ प्रिंट स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय द सेमीकोलन द सेकंड एक्सप्रेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन जस्ट आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन. वो कहते हैं कि अगर आपने दो एक्सप्रेशन लिख ली हैं और आपने सेमी कॉलन डाल के उन्हें दोनों को सेपरेट कर लिया, मतलब एक पे आपने लिख दिया अहमद और दूसरे पे सेमी कॉलन डाल के आपने लिख दिया यूनस, तो फिर क्या होगा, अहमद और यूनस दोनों आपको जब प्रिंट आप करवाओगे तो दोनों आप साथ साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे. ठीक है, प्रिंट हुए हुए एग्जाम्पल भी उसने नीचे दी है. जीडब्ल्यू बेसिक डिवाइड्स ईच लाइन इनटू प्रिंट जोन ऑफ 14 स्पेसेस. हर लाइन को वो कहते हैं 14 स्पेसेस में वो डिवाइड करता है. Yes, we can also use a comma instead of semicolon to separate expression. This causes the second expression to be displayed at the start of the next zone. Okay. Example देखो फिर clear हो जाएगा. यहाँ पर line number 10 पर देखें, उसने लिखा है $ string print करवा रहे, इसलिए dollar sign use करा है. $ एक variable है, उसके अंदर उसने expression लिखा है आपका सिंध का वर्ड लिखा है, उसके बाद उसने सेमी कॉलन डाला है, फिर बी डॉलर साइन में पंजाब है, सी डॉलर साइन में बलूचिस्तान और डी डॉलर साइन में NWFP और ई डॉलर साइन में कश्मीर. ठीक है, अब वो कह रहा है प्रिंट लाइन नंबर 20 पर उसने लिखा प्रिंट ए डॉलर साइन सेमी कॉलन बी डॉलर साइन सेमी कॉलन सी डॉलर साइन डी डॉलर साइन और ई डॉलर साइन, प्रिंट करवा दिया. अब देखें जब उसने सेमी कॉलन यूज किया तो किस तरह से प्रिंटिंग हुई है, ये सिंध पंजाब बलूचिस्तान, इसमें कोई स्पेस नहीं आई है दरमियान में, सारी प्रिंटिंग साथ साथ हुई है, सारे करेक्टर्स सारे एक्सप्रेशंस को उसने ज्वाइन कर दिया एक ही साथ. लाइन नंबर 40 पर देखें, उसने ए डॉलर साइन उसके बाद उसने सेमी कॉलन के बजाय कॉमा लगाया है यहाँ पे, तो कॉमा लगाने से क्या हुआ कि सबसे पहले आपका ए सिंध आया, उसके बाद स्पेसिस आ गई, मतलब ये 14 स्पेसिस को यूटिलाइज तकरीबन उसने किया है. ठीक है, 14 वर्ड्स को, उसके बाद पंजाब, फिर स्पेस आ गई, फिर बलूचिस्तान NWFP और कश्मीर, तो कॉमा डालने से क्या होता है कि वो कपल ऑफ स्पेसिस आपको दे देता है और अलग अलग आपकी प्रिंटिंग होती है. All right. एक और एग्जाम्पल उसने यहाँ नीचे दी हुई है, ए को 10 असाइन कर दिया, बी 20 और सी जो है वो 30 है, उसके बाद सिटी एक वेरिएबल ले रहा है, सिटी डॉलर साइन उसके अंदर लाहौर स्टोर करवा रहा है, और एक वेरिएबल उसने लिया कंट्री डॉलर साइन जिसके अंदर वो पाकिस्तान स्टोर करवा रहा है. अब वो प्रिंट करवा रहा है ए बी और सी, ए बी सी प्रिंट करवा रहेगा तो कॉमा यूज कर रहा है, तो क्या प्रिंट होगा आपका 10, 20 और 30. तो ये देखे रन जब किया आपने तो 10, 20, 30 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है. उसके बाद उसने प्रिंट करवाया ए बी सी, ये तीनों चीजें दोबारा प्रिंट करवाई कॉमा डाल के, फिर उसने सिटी डॉलर साइन और कॉमा डाल के कंट्री डॉलर साइन, इन दोनों वेरिएबल्स को कॉल किया,
तो जब इन दोनों वेरिएबल्स को कॉल किया तो फिर क्या स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है, 10, 20, 30 जो के वैल्यूज थी ए बी सी की, और उसके बाद सिटी डॉलर साइन के अंदर क्या स्टोर हुआ था, लाहौर, और कंट्री डॉलर साइन के अंदर आपका पाकिस्तान स्टोर था, तो यहाँ पर वो प्रिंट हो गया। ठीक है, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट क्या करती है, दिस स्टेटमेंट इज, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अब वो कहते हैं अगर आपने किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को अगर आपने फॉलो करना है उसके लिए आप प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट यूज करोगे। ये प्रिंट यूजिंग दो लव्ज हैं, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा हमने सेकंड चैप्टर में कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स का टॉपिक पढ़ा था वेरिएबल्स, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स से ऊपर। ठीक है, तो प्रिंट यूजिंग के रिजर्व वर्ड्स हैं, इन दोनों को हमने ऐसे ही लिखना है, और अगर हम स्पेसिफिक फॉर्मेट कोई फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट यूज करेंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिंटैक्स। प्रिंट यूजिंग का वर्ड आ गया, उसके बाद स्ट्रिंग एक्सप्रेशन सेमी कॉलन है, और फिर लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो भी आप उसे देना चाहते हो। ठीक है, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर ना नॉर्मली हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसके अंदर हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन देखें, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं, इसके अंदर आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, बैक स्पेस का साइन, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के अगर करेक्टर्स प्रिंट करवाने तो उसके लिए आप ये यूज करोगे। द फॉर्मेटिंग करेक्टर्स डिटर्मिन द फील्ड एंड द फॉर्मेट ऑफ प्रिंटेड स्ट्रिंग्स और नंबर्स। द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सेमीकॉलन। वही चीज, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो जो आप वेरिएबल्स लिखते जाओगे सेमीकॉलन से उन्हें सेपरेट करते जाना है। अच्छा, आगे वो कहते हैं स्ट्रिंग फील्ड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टर्स मे बी यूज्ड टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग फील्ड। सबसे पहले है आपका एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन स्पेसिफाइज दैट ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज टू बी प्रिंटेड। अगर आपने सिर्फ अपना कोई भी वर्क, आपने कोई भी चीज लिखी, फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पर सेमी कॉलन, जी, या अगर आपने सेमी ये एक्सक्लेमेटरी साइन आपने लिख लिया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ जो आपने लफ्ज लिखा है ना उसका पहला कैरेक्टर प्रिंट करवा दो। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, स्पेसिफाई करता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन के सिर्फ फर्स्ट करेक्टर प्रिंट करवाना है। बैक स्पेस एंड स्पेसेस स्पेसिफाइज दैट 2+n करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग आर टू बी प्रिंटेड। इफ द बैक स्लैशेस आर टाइप्ड विद नो स्पेसेस, 2 करेक्टर्स आर प्रिंटेड। वो कहते हैं बैक स्पेस का मतलब होता है कि अगले 2 करेक्टर्स आपने प्रिंट करवाने हैं। अगर आप बैक स्पेस टाइप नहीं करोगे तो वो क्या होगा, 2 करेक्टर्स जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएंगे मगर स्पेसेस नहीं आएंगी दरमियान में। इफ द बैक स्पेस backslashes are typed with one space, 3 characters are printed and so on. Example देखें, इसका clear होता है। देखो, 10 line number 10 पर उसने लिखा, एक variable लिया a, dollar sign use किया क्योंकि string variable use कर रहा है वो यहाँ पर, और work लिखा उसके अंदर, string है ये। ठीक है, उसके बाद b dollar sign लिया और उसके अंदर hard लिख दिया। work इसमें a dollar sign में ले लिया, b dollar sign में उसने hard ले लिया। line number 30 पे वो लिखता है print using की statement use करता है, और फिर आपका ये exclamatory sign वो use कर रहा है। अब एक्सक्लेमेटरी साइन मैंने अभी ऊपर आपको बताया क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन से सिर्फ फर्स्ट करेक्टर प्रिंट होगा, सिर्फ फर्स्ट करेक्टर। अब वो आगे किस किस को कॉल कर रहा है, ए डॉलर साइन को भी और बी डॉलर साइन को, तो क्या होना चाहिए, ए डॉलर साइन का भी फर्स्ट करेक्टर आ जाए और बी डॉलर साइन का भी फर्स्ट करेक्टर आ जाए। तो देखें, जब लाइन नंबर 30 रन हुई है तो डब्ल्यू और एच आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। डब्ल्यू ए डॉलर साइन से आ गया और एच जो है वो बी डॉलर साइन से आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट लाइन नंबर 40 पर देखो, प्रिंट यूजिंग, उसके बाद उसने बैक स्लैश यूज किया और फिर एक स्पेस दी और फिर बैक स्लैश यूज किया और ए डॉलर साइन बी डॉलर साइन उसने लिखा। तो इससे क्या हुआ, जब ये रन हुआ तो वर्क हार्ड, यहाँ से वर्क और यहाँ से हार्ड, ये दोनों चीजें इस बैक स्लैश के दरमियान में दोनों चीजें आ गई। ठीक है, आफ्टर दैट प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट उसने यूज किया, फिर उसने सेम यही चीज किया, स्पेस एक ज्यादा दे दिया मगर आखिर में उसने दोनों एक्सक्लेमेटरी साइन भी प्रिंट करवा दिए। तो ये क्या होगा, इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी के दोनों साइन भी आखिर में आपके आ जाएंगे जैसे कि यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड साइन क्या करता है, specifies a variable length string field. When the field is specified with ampersand, the string is in output exactly as input. जिस तरह से अगर आप input देते हो same उसी तरह अगर result output में print करवाना है आपने तो आप उसके लिए ampersand sign use करते हो। अब numeric fields की बात कर रहे हैं, वो तो hash sign use होता है सबसे ज्यादा आपका। hash sign क्या करता है, hash sign is used to represent each digit position. हर digit की position बताता है कि कौन से कितने digits हैं और क्या उनका numeric data है, क्या criteria है। digit positions are always filled
if the number to be printed has fewer digits than specified position specified, the number is right, justified, preceded by spaces in the field. Okay. A decimal point may be inserted at any position in the field. If the format string specifies that a digit is to be precede the decimal point, the digit always is printed as zero if necessary. Numbers are rounded off if necessary. Okay, ठीक है ये बात. देखिए यहाँ पर उसने print using लिखा, उसके बाद उसने यहाँ पर दो hash sign, फिर dot लगाया और फिर उसने दो hash sign use किए और फिर 0.85. अब 0.85 ने इसके according adjust होना है. अब यहाँ पर उसने बताया कि अगर यहाँ पर दो आ रहे हैं और पॉइंट से पहले कोई वैल्यू भी नहीं है तो फिर दो जीरो की जगह सिर्फ एक जीरो प्रिंट होगा. तो नीचे देखो यहाँ पर 0.85 प्रिंट हो रहा है. ठीक है, एक जीरो और एट ने ये स्पेस ले ली, फाइव ने ये वाली स्पेस ले ली है, तो 0.85 स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है. नेक्स्ट आपकी है प्रिंट यूजिंग, और फिर आगे वो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू यूज कर रहा है. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ टू का अप टू, देखो यहाँ उसने क्राइटेरिया क्या दे दिया हैश साइन का. हैश साइन का उसने कहा कि डॉट से पहले तीन डिजिट है और डॉट के बाद दो डिजिट है, तो डॉट से पहले तीन डिजिट 254 ये ऐसे ही प्रिंट होंगे, डॉट का साइन प्रिंट होगा, और 753 है तो ये क्या होगा, राउंड ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, तो 76 नहीं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, सॉरी ठीक है यहाँ 5 है ना, उससे छोटा करेक्टर है, राउंड ऑफ नहीं होगा, 73 ओमिट हो जाएगा. क्यों ओमिट होगा, क्योंकि यहाँ पर हैश साइन में तीन हैश साइन नहीं थे पॉइंट के बाद, तीन होते तो फिर ये पूरी चीज प्रिंट होती, दो है तो यहाँ पर सिर्फ 75 आएगा आगे, 254.75 ये देखें. आफ्टर दैट उसने वो यूज किया, दो हैश साइन है, फिर डॉट है और फिर दो हैश साइन है, तो फिर क्या होगा, 10.2 दिया है उसने वैल्यू, 5.3 दी हुई है, 3.66 5.3 है, 66.789 और 2.234. अब देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट लाजमी होने चाहिए, पॉइंट के बाद जहां जहां दो डिजिट होंगे सिर्फ वो वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी. यहाँ से देखो पॉइंट के बाद तीन डिजिट थे, एक को ओमिट कर देगा, 0.23 प्रिंट कर देगा. यहाँ से देखो तीन डिजिट थे, 78 प्रिंट, ये राउंड ऑफ हो जाएगा आगे क्योंकि 9 है, राउंड ऑफ हो जाएगा, 66.79 प्रिंट हो जाएगा ये देखें, और यहाँ पर 5.30 उसने प्रिंट कर दिया. ठीक हो गया. इन द लास्ट एग्जाम्पल 3 स्पेसेस आर इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग टू सेपरेट द प्रिंटेड वैल्यूज ऑन द लाइन. Next is a plus sign at the beginning or end of the format string causes the sign of the number plus or minus to be printed before or after the number. Normal, हम इस रूल को यूज ही नहीं करते, हम आपके पूरी GW basic की बुक में कहीं ये रूल फॉलो नहीं किया गया, उन्होंने यूज ही नहीं किया, लिखा जरूर है यूज नहीं किया, पूरी बुक में कहीं भी देख लो. A comma is to the left of the decimal point in the format string causes a comma to be printed at the left side of every third digit to the left side of the decimal point. A comma at the end of the format string is printed as a part of string. वही बात बता रहा है जिस तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग हुई है कि कॉमा अगर आपके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है तो क्या होगा, वो लेफ्ट साइड पे ही आपके स्ट्रिंग के थर्ड डिजिट के बाद आपके प्रिंट हो जाएगा. ये भी एज सच इन रूल्स को भी हम फॉलो नहीं कर रहे. सिंपल जो मेन चीज थी प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट में, वो सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है, बैक स्लैश और ये दो चीजें, इनसे नॉर्मल आपकी प्रिंटिंग होती है, और सिर्फ बहुत बहुत थोड़ी चीजें ये वाली, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस टॉपिक में. ओके, सो योर चैप्टर नंबर 2 इज फिनिश्ड. मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, बेसिक स्टैंड्स फॉर Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. BASIC was developed by John Kamina and Thomas Kurtz in 1973 at Dartmouth College, USA. GW BASIC loads a dash message when loaded, OK message. In dash mode, the commands are executed as they are typed in direct mode. Every statement in a BASIC program is preceded by a हर program को किससे शुरू होना चाहिए? Line number से. A GW basic program line cannot have more than dash characters. एक लाइन में कितने से ज्यादा करेक्टर नहीं हो सकते? 255 से ज्यादा नहीं हो सकते. There can be maximum dash lines in a GW basic program. कितनी लाइंस होनी चाहिए? 65529, I think so. Yes. The default extension of a GW basic program is -.bas. The words that have predefined meaning in a programming language are called reserve words. Dash is an example of non-executable statement. Remarks non-executable होते हैं. फर्क कोई नहीं पड़ता उनसे लिखने या ना लिखने से. Okay. Next are your MCQs. GW Basic can operate in two modes. One is direct and other one is indirect.
The maximum length of a variable name in GW Basic is 32. If two or more statements are written on a line, they must be separated by a semicolon. Which of the following is a type declaration character for integer variable? Integer ke liye ye percentage ka sign aap use karte ho. Yes, Ahmed, you can do it. Sab kuch yaad nahi karna, concept samjho uska. Okay. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी. मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था सबसे हाईएस्ट किसकी होगी असाइनमेंट की, तो सबसे लोएस्ट होती है आपकी एक्सपोनेंट की होगी यहाँ पे. नेक्स्ट इज अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ अल्फाबेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम F2. व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट इज राउंडेड ऑफ. Which of the following statement temporarily stops the execution of the program? Temporarily कौन करते हैं stop statement? Which of the following command continues the program whose execution was terminated temporarily? Can't. B option is right answer. True, false, you can do it by your own self. And there are a few questions related to the context we have studied. Okay. जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे वो आप लोग साथ के साथ करते जाओ. ठीक हो गया.